हेलो एवरीवन, मैं हूँ कैमेलिया। आज आपके साथ मैं शेयर करने जाऊँगी देसी कोई फिश के साथ गोभी एंड आलू की एक औसम सा रेसिपी। ये रेसिपी पे आप सीखेंगे कैसे बंगालीज विंटर डिलाइट करते हैं कोई फिश के साथ। कोई फिश के साथ ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है। कोई फिश को पहले आपको कैसे करना है और सारे जो टिप्स है ये मैंने इस रेसिपी में बताया है। चलिए शुरू करते हैं। ये देसी कोई फिश है। देसी कोई फिश को आप इंग्लिश में क्लाइंबिंग पर्च बोल सकते हो। इसको मैंने मैरिनेट किया खाली नमक से। आप इसमें हल्दी और नमक दोनों मिक्स कर सकते हो। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। दोनों साइड अच्छे से फ्राई करना है। 2 मिनट से ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये ना स्किन इसकी टाइट हो जाती है, खाने में अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे से इसको फ्राई करना है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। आप देखो जैसे मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई कर रही हूँ और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको फ्राई करना है। मैं ये बना रही हूँ इंडक्शन में, तो इसमें भी मैंने मीडियम फ्लेम ही रखा है, मतलब मीडियम टेम्परेचर ही रखा है। सारे जो इंग्रेडिएंट है एंड क्वांटिटीज़ है सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। आलू के वेजेस के तरीके से काटना है एंड फूलगोभी के छोटे छोटे फ्लोरेट्स में काटना है। फिर इसको आप क्या कर सकते हो, पानी में थोड़ी देर भिगो सकते हो एंड थोड़ी देर के बाद आप उठा लो, ये अच्छा भी रहता है। अभी कोरोना के टाइम जितना देर तक आप कोई भी सब्जी बॉयल कर लो या फिर कोई भी सब्जी को आप नमक के साथ अगर मिक्स करके कुछ देर तक छोड़ दो तो पेस्टिसाइड भी निकल जाते हैं। कैसे ये सारा प्रोसेस होता है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी, कैसे मैं सब्जी धोती हूँ एंड कैसे मैं ये कोरोना COVID-19 के ड्यूरेशन पीरियड में कैसे मैंने सारे सब्जीज भेजीज मैंने धोया है एंड रखा है। ठीक है, तो चलिए अभी ये रेसिपी देख लेते हैं। मैंने ये रेसिपी बनाया है, बहुत ही ईजी बन जाती है। तो मैंने ये क्या किया है, ये जो देसी कोई फिश है और क्लाइंबिंग पर्च है इसको फ्राई करके मैंने अलग से रखा हुआ है और इसके बाद मैं 5 मिनट में बनाऊंगी इसकी सब्जी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक प्रेशर कुकर लेना होगा और प्रेशर कुकर गर्म होते ही उसमें आप मस्टर्ड ऑयल दे देना। मस्टर्ड ऑयल में जाएगा ज़ीरा और आप साबुत जीरा बोल सकते हो, साबुत जीरा दे देना। उसके बाद थोड़ा सा तेल में उसको गर्म कर लेना है। उसके बाद सारा जो सब्जी है एक एक करके दे लेना है। कुछ भी आपको फ्राई अलग से करना नहीं है। आलू दे देना है, टमाटर दे देना है और कॉलीफ्लावर गोभी जो है वो भी दे देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और जितना देर इसको मिक्स करोगे उतना ही टेस्टी बनेगा। इसके लिए आप कुछ भी चीज़ फ्राई कर सकते हो, ये टेस्टी बनेगा लेकिन हेल्दियर साइड में नहीं बनेगा। और हेल्दी बनाने के लिए इसको आपको फ्राई नहीं करना है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना है। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक एक करके जो हल्दी नमक सारा कुछ है वो देना है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हार्डली आप 2-3 मिनट 5 मिनट तक मिक्स करो इसको, इसके लिए वो सही रहेगा। इसके ऊपर जाएगा हल्दी नमक काला जीरा एंड इसके आप दे देना जो जीरा पाउडर है वो। तो जीरा पाउडर यहाँ पे 1 टीस्पून लगेगा, ज़्यादा नहीं देना है। कितना क्या क्वांटिटी में कौन सा चीज़ जाएगा वो मैं ऐड कर दूँगी। हमारे घर पे कोई तीखा नहीं खाता तो मैंने यहाँ पे कोई भी मिर्च नहीं दिया, कोई भी मिर्च पाउडर भी मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, ऐसे ही बनाना है। अगर आपके घर पे कोई भी व्यक्ति, अगर कोई तबीयत उनके ख़राब है इनके लिए भी ये डिश बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपके घर पे बहुत तीखा खाने वाले लोग हैं तो फिर आप 2-4 मिर्च इसमें ऐड कर सकते हो। बस बन गया ये डिश और इसमें कुकर में एक व्हिसल तक लगाना है, 1 सीटी देना है, बस बन गया। जितना कंसिस्टेंसी आपको ग्रेवी की चाहिए उतना कंसिस्टेंसी आप ग्रेवी के रखो और उसमें आप ऐड कर दो, जब 1 व्हिसल के बाद खोल लेना है और उसमें आप ऐड कर दो फ्राई किया हुआ कोई फिश और रेडी हो गया ये बहुत ही टेस्टी अमेजिंग विंटर डिलाइट डिश कोई फिश के साथ गोभी एंड आलू। आप इसमें मटर ऐड कर सकते हो, बाद में मैंने ये मटर ऐड कर दिया था तो वो भी कितना क्वांटिटी में ऐड किया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।